तो इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मजदूरों के साथ परंपरा के अनुसार मुलाकात की और मजदूरों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। बता दें कि चावड़ी में लोगों को भरपूर भोजन मिल रहा है। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ही हमें पुरस्कार मिल रहा है। बता दें कि श्रमवीर भाई बहनों को मिठाई खिलाकर कंबल भेंट कर उनके साथ नव वर्ष की खुशियां बांटी गईं। बताते चलें कि बुजुर्गों और महापुरुषों के सपनों को साकार करना ही, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यही उनका संकल्प है। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टेट हेड आर के गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, आर के गांधी जी, इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। भूपेश बघेल अभी बयान भी दे रहे थे इस कार्यक्रम के बाद में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सवेरे नौ वर्ष के प्रथम दिन राजधानी रायपुर के जो कोतवाली चावड़ी है वहां पहुंचे हुए थे, मेहनतकश मजदूर भाई बहनों के साथ हर वर्ष की तरह वो उन्होंने इस वर्ष भी नौ वर्ष का अभिनंदन यहाँ पे किया है। तो मजदूर भाई बहनों के बीच वो पहुंचे, उन्होंने श्रमवीर भाई बहनों को मिठाई खिलाई, कम्बल भेंट की, उनके साथ नौ वर्ष की खुशियां बांटी और इस अवसर पर सभी लोगों को उन्होंने नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। तो मजदूरों के साथ मुलाकात की जो उनकी परंपरा थी वो इस साल भी जारी रही नौ वर्ष पे, और यहाँ जो चावड़ी लगती है कोतवाली के पास, उस चावड़ी में लोगों को उन्होंने भरपेट भोजन मिल रहा है और साथ ही स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से जो पुरस्कार मिल रहा है इसके लिए उन्हें बधाई भी दी है। तो नए वर्षों में बुजुर्गों और हमारे पुरोधा हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करना ही भैया नए वर्ष का संकल्प है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे कहा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नौ वर्ष पर श्रमवीरों को यहाँ पे सौगात भी दी है, जैसे भवन एवं अन्य निर्माण जो कर्मकार कल्याण मंडल के तहत में जो अग्नि प्रसूति सहायता है, इस योजना में सहायता राशि जो 10,000 रुपए से बढ़ाकर इसको 20,000 रुपए करने की घोषणा की है। तो नए साल के शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों को एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पे दी है। हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के बीच में पहुंचते हैं, पहली सुबह वो उन्हीं के साथ बिताते हैं और आप तस्वीरों में यहाँ पे देख सकती है कि किस तरह से वो मजदूरों को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, उनको कंबल बांटते नजर आ रहे हैं और उनसे संवाद भी कर रहे हैं। संवाद के साथ में देखिए मजदूर भाई बहन जो बैठ के खाना खा रहे थे उनके साथ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पे बैठे हुए हैं, और साथ ही मजदूरों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन भी किया, उनको गुलाब का फूल भी भेंट किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल पे सभी मजदूरों को यहाँ पे मिठाई भी खिलाई, कंबल भी बांटा, उनसे बातचीत भी की और किस तरह से मजदूरों के लिए क्या हो सकता है उसको लेकर तमाम जानकारी ली। तो साथ ही चावड़ी में लोगों को भरपेट भोजन मिलने की सुविधा के साथ ही जिस तरह से स्वच्छता में जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग नंबर वन आई है उसके लिए उन्होंने इन्हीं मेहनतकश मजदूरों को बधाई दी है, और साथ ही उन्होंने इसके लिए मजदूरों को बधाई देते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात की घोषणा आज कर दी नए साल पे कि जो भवन एवं सह निर्माण जो कर्मकार कल्याण मंडल है इसके तहत में जो भग्नि प्रसूति योजना जो पहले से चली आ रही है उस प्रसूति सहायता योजना में जो सहायता राशि है उसको 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे की। जी जी आर के गांधी जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की सीधी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों को नए साल के अवसर पर नई नई सौगातें दी हैं। इसी के साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं।